बोला है, मैं बोला ना कि ये जो है ना सिस्टम, जैसे फांसी लगाए या मार दिया या किसी ने पटक दिया कि भाई रस्सी है, देखिए साफ साफ बात है कि रस्सी है, रस्सी है तो भाई वो रस्सी लगा भी सकते हैं, लगा भी सकता है, मैंने देखा नहीं दोस्तों। सुनील यादव जो शहादत हुई है, सुनील यादव के शहादत के बारे में लोग यही जानना चाहते होंगे कि सुनील यादव की शहादत क्यों हुई और कैसे हुई थी। बड़ा ये सवाल इस तीन दिनों से चार दिनों से परेशान करके रखा हुआ था कि सुनील यादव की शहादत किस वजह से हुई है, बहुत सारे लोग बताना नहीं चाहते थे। लेकिन आज उनके पिताजी से बात करने के बाद दौरान पता चला कि जो ये शहादत हुई है क्यों हुई है, क्या कारण था शहादत होने के, पूरी तरह से इस पिताजी ने बताया कि जब मैं उस जगह गया था, यानी कि जब मैं जिस अधिकारी के पास गया था, तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक पेपर दिया और कहा कि डेड बॉडी को लेकर जाइए। फिलहाल जिस तरह से वो रोए और कहा कि सरकार हमारी एक ना सुनी और सरकार ने जो मैं चाहता था वो सरकार नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद एक कर्मचारी थे, यानी कि आर्मी में जो भी जवान थे, उसके बाद उन्होंने रिटायर्ड हुए, उसके बाद इनके बेटे को नौकरी लगी थी, उनका एक भाई भी है जो आर्मी में नहीं जा सकता। जी आपका नाम क्या है? एक सुदाल भजन सिंह यादव है। अच्छा सर, यहाँ पर आपके बेटे जो हैं सेना में जवान थे, और इसके साथ क्या घटना हुई है? घटना सर, अब वो उन्होंने, अब हम तो उनके पूछा हूँ, जैसे आकाश मृत्यु गिर गल पड़ गल, दिमागी टेंस का टेंशन है, अब वो सिस्टम से अब हमको बताया नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम हुई उनकी। 21 दिन की घटना है ये, 11 तारीख की है सर। 11 तारीख की है, 11 तारीख की, ये 2-3 बजे के टाइम पर रात में ड्यूटी है। आप जैसे घर पे थे तो सूचना कैसे मिली आपको, कौन सूचना दिया? नहीं, सूचना मुझे उधर से दिए थे, उनका जो है जवान दिया था, जो अधिकारी थे। हाँ, जवान दिया था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बस वही बताया था कि आकस्मिक घटना है, आप पहुँची। अच्छा, आप अभी बोले हैं कि जैसे वो ड्यूटी पे थे। हाँ, ड्यूटी पे ड्यूटी दे के वो चला गया था, सोने के लिए गया था, तो आकस्मिक घटना हुआ था। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, अब वही बताएंगे, वही जानेंगे, बस हम नहीं जानता। कोई प्रशासन के लोग, शासन के लोग नहीं बताया? शासन नहीं बताया, हमारे को बताया कि ऐसे घटना हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, आप मर्सरी में जाइए, फलाना सब कुछ कार्रवाई करके। हमने सुविधा मिला है आपको? सुविधा भी बेनिफिट ही मुझे अभी वो यही नहीं मिला, मुझे क्या बोलते हैं सम्मान ही नहीं दिया। तो हम चलो कौन घर में बच्चा, कोई बच्चा, एक छोटा सा बच्चा था, वो जाता है 1-2 महीने पर जाता है, बुलाते हैं डॉक्टर साहब को देता है, उसको थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम है, इंस्पेक्शन टाइप का। जो शहीद है उनके बेटे का? हाँ, उनके बेटे का सर। और कोई? अच्छा, 11 तारीख को घटना घटी, आपको कितने तारीख को पता चला था, जानना सर? ये सर मुझे तो 11 तारीख 12 तारीख सुबह तकरीबन 5 बजे में सुबह घटना घटी, 12 तारीख सुबह मिली। हाँ, 11 तारीख की घटना बात उन्होंने बताया हमको, हमारे पास टाइम 5 बजे का आया। आपके बेटे कब गए थे घर से वहाँ पे ड्यूटी? 5-7 दिन पहले हमसे छुट्टी काट के गया सर वो। हाँ, लेकिन ये कन्फर्म है कि घटना हुई? घटना हुई है, घटना अब यहाँ फाड़े हैं, बोले सुसाइड किया नहीं किया, क्या किया, वो अपने बांध के सब कुछ हिसाब किया, हमसे पूछे क्या टेंशन है, हमके देखा है कि यहाँ ऐसी गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी में जो उन्होंने हमको कुछ बताया नहीं, हमसे खाली बोर्ड पे पूछते गए, हम उनका जवाब देते गए, अब हमको उसके कॉपी देंगे, फ़ोटो देंगे, क्या हुआ ना क्या हुआ, हमें कहे बारे में कुछ, जब हमारे पास प्रूफ नहीं है सर, ये आपके सामने से एक ओनली वन कॉपी। आखिरी बार आपसे कब बात हुई? आखिरी बार हमसे सर उसके केस के 3-4 दिन पहले बात हुई थी। आप सेना के अधिकारियों से या देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे आप कहना चाहते हैं? नहीं, हम अपील क्या करें सर, अब तो उनका बोर्ड ही साइन करेगा, जो बोर्ड ही बताएगा तभी हम अपील करेंगे कि भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनका बोर्ड है, ये सिविल महकमा अलग है, फौज का महकमा अलग है सर, अपने अपने सब सिस्टम लेके अपना अपना बयान करके वो अपने बयानबाजी में बैठे हुए हैं, मुझसे पूछे। लेकिन अब तक ये कन्फर्म नहीं है घटना हुई क्या है? घटना है, मैं बोला ना कि ये जो है ना सिस्टम, जैसे फांसी लगाए या मार दिया या किसी ने पटक दिया उनको, ये तो है ठीक है। हाँ, खाली बॉडी से मिला कि इस ढंग की चोट? हाँ, चोट है, लेकिन एक कन्फर्म ये बताए कि भाई रस्सी है, देखिए साफ साफ बात है कि रस्सी है, रस्सी है तो भाई वो रस्सी लगा भी सकते हैं, लगा भी सकता है, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो आदमी यहाँ से विदेश जाने के लिए तैयार है, फिट फार है, सब कुछ ठीक है, ना उसके बच्चे से परेशानी है, ना उसके बीवी से परेशानी है, ना बाप से परेशानी है, वो देखिए मेरा घर दिखाई देता सर, कोई टेंशन नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, अनुभव क्या आपको करते हैं? अनुभव देखिए सर, मैं उनको देखा नहीं, लड़के को क्या किया नहीं किया हमने देखा नहीं, लेकिन जितना उन्होंने हमसे बयान पूछा है कि आपका लड़का इसे सुसाइड किया या उसके दिमागी टेंशन था या क्या हुआ है, तो हम बोले भाई हमसे जो आपने जवाब चाहिए था आप ले लीजिए, इसके बाद का जो भी जवाब हमसे आपको कॉपी दे के था। कहाँ पे थे सेना के जवान? ये 274 ट्रांजिट कैंप, यहाँ
नहीं 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 यहाँ है, दिल्ली 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 में है वो। अच्छा दिल्ली में, खानपुर में। अच्छा कानपुर में, खानपुर, खानपुर नाम है। वहीं पे घटना हुई कैंप? हाँ कैंप में, कैंप के अंडर हुआ है और ड्यूटी देने के बाद हुआ है सब। कहीं ना कहीं अपन असंतुष्ट हैं अधिकारियों से? हाँ असंतुष्ट से, इसलिए कि जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी असंतुष्ट की, मुझे तो मैंने बोला चला तो गया है वो, लेकिन उसकी बिनफटी में अभी कटौती हो गई, जो सम्मान हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो नहीं मिला मुझे। बहुत बहुत तकलीफ है कि गलती किसने किया, भोगा कौन, उसके बच्चे भोगेंगे या मैंने भोगा? ये सम्मान देश को मिलता तो मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे सिर्फ वो मिल गया प्रमाण, तिरंगा झंडा मिला, मैं उसको स्वीकार किया हूँ। लेकिन जो संसार को सबको लेकर चलते हैं फौज में, वो मुझे नहीं उन्होंने दिया। कहीं ना कहीं देश के जवान के साथ यह अन्याय हुआ? अन्याय कहीं ना कहीं अन्याय उन्होंने गहराई से। आपके बेटे कितने हैं? दो बेटे हैं। एक बेटे क्या करता है? एक बेटा घर ही है सर। क्या उनको फोर्स में भेजना चाहेंगे? नहीं, फोर्स में लायक है नहीं वो। मैं फर्स्ट फोर्स में भेजा था, उसके बाजू टूट गया मोटरसाइकिल से, तब तक जो है वो। अपने नाती को जो शहीद के बेटे हैं उनको भेजना चाहेंगे? हाँ कोशिश करेंगे हम सर, कोशिश करें, पढ़ाएंगे। दो बच्चे हैं, छोटी लड़की है, सो वही है, तो हम कोशिश करेंगे। मजे चला मजे चला मजे चला।